अगर आप लोग भी स्नैपसीड ऐप की हेल्प से कुछ इस तरीके की फेस स्मूथ वाली फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 100% सीख जाओगे कि स्नैपसीड ऐप का यूज करके फेस को स्मूथ कैसे करते हैं, बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं, एकदम परफेक्ट फुल एचडी वाली एडिटिंग कैसे करते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस आप देख पा रहे हो कि हमने इस फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिया है। स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको ट्यून इमेज में जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ एक एम्बियंस का ऑप्शन दिखेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ आप ट्यून इमेज में आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको एम्बियंस वाले टूल में जाना है। एम्बियंस को कुछ इस तरीके से आपको इंक्रीज कर लेना है, लगभग आपको इसे 20 के आसपास रख लेना है। देन आपको हाइलाइट्स में जाना है एंड हाइलाइट्स की वैल्यू कम कर लेना है। देन आपको शेडोज को कुछ इस तरीके से +4 या +5 के आसपास बढ़ा लेना है। अब आपको कॉन्ट्रास्ट के अंदर चलना है। कॉन्ट्रास्ट में जाने के बाद इसे सिर्फ 4 या 5 के ही आसपास बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसको डन कर लेना है। डन कर लेने के बाद आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर दोबारा क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ से आपको ये डार्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से -20 है तो इसको हम यहाँ पे कम कर लेते हैं एंड इसे हम लगभग यहाँ पे -8 के आसपास रख लेते हैं एंड यहाँ से इसको डन कर लेंगे। अब आपको इस एडिट ट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे, देन ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करना है। अब आपको इस बीच के पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइज अब आपको एक इन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा जस्ट यहाँ पे, इस पर आपको टैप करना है एंड आपको अपनी फ़ोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको अपने स्क्रीन पे इस ब्रश को चलाना है ताकि आपके स्क्रीन से जो ये इफेक्ट हो ब्लैक एंड वाइट का वो इरेस हो जाए। बाकी आपको अपने पूरी फ़ोटो पर रहने देना है, सिर्फ आपको अपने स्क्रीन से इसको इरेस कर लेना है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे के स्टेप्स जल्दी से बता पाऊँ। तो मैं पूरा स्क्रीन से यानी कि फेस से और हैंड से इरेज कर लेता हूँ। हाँ तो गाइज आप देख पा रहे हो कि मैंने पूरा स्क्रीन से इसको इरेज कर लिया एंड यहाँ से इसको सिंपल से अभी डन पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा बैक करते हैं एंड आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो, ये देखो बिफोर में फ़ोटो कुछ इस तरीके की थी एंड आफ्टर में हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके की एडिट होकर दिख रही है। तो फोटो देख पा रहे हो कि कितना शानदार लग रहा है। अभी जस्ट आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, सेलेक्टिव टूल पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से आपको अपने पूरे स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। स्क्रीन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्राइटनेस की वैल्यू बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन की वैल्यू कम कर लेंगे। आप देख पा रहे हो सेचुरेशन मैंने -20 कर लिया एंड देख पा रहे हो कि अभी फेस जो है पहले से ज़्यादा वाइट दिख रहा है, मतलब गोरा दिख रहा है। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे, मतलब ये प्लस के आइकॉन पे दोबारा क्लिक करना है। अब कुछ इस तरीके से आपको हैंड को सिलेक्ट करना है, यहाँ ब्राइटनेस की वैल्यू बढ़ा लेंगे, यहाँ सेचुरेशन की भी वैल्यू लेफ्ट साइड की तरफ माइनस साइड रख लेंगे -24 एंड यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक बार फोटो का बिफोर एंड आफ्टर दिखा दूं। ये रहा बिफोर एंड ये आफ्टर। अभी गाइस फोटो में फेस को स्मूथ करना है, इसके लिए आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे जाना है। यहाँ से आपको पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है। पोर्ट्रेट पे जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से इसकी वैल्यू जितना भी आपको रखने का मन हो आप रख सकते हो। यहाँ से आपको आई क्लैरिटी को ज़रूर बढ़ा लेना है एंड यहाँ से इसको सिंपल से डन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको एक विंटेज का ऑप्शन मिलेगा। आप इसका यूज़ करके चाहो तो अपनी फ़ोटो में डार्क टोन कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें इस फोटो के अंदर ना थोड़ा सा लाइट सा टोन रखना है। अगर आपकी फ़ोटो में डार्क टोन सूट करे तो आप इस विंटेज का यूज कर सकते हो। अब गाइस आपको यहाँ से जाना है कर्व्स टूल के अंदर। यहाँ जाना है आपको इस चैनल के अंदर RGB को सिलेक्ट करना है एंड कुछ इस तरीके से गाइस आपको इसे ऊपर से मतलब खींच कर कुछ इस तरीके से कर लेना है, ठीक है, लगभग इतना। एंड देख पा रहे हो कि फोटो कुछ इस तरीके का अभी हमारा दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है दिखने में। एंड यहाँ से गाइज अभी डन कर लेते हैं, ये बिफोर ये आफ्टर। अब आपको यहाँ पेंसिल वाले आइकॉन पे दोबारा क्लिक करना है, यहाँ वाइट बैलेंस के अंदर जाना है एंड वाइट बैलेंस के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा गाइज इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड की तरफ कर लेंगे -5 एंड यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। अभी गाइज आपको हम सिखा देते हैं कि इस फोटो में बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करेंगे। बैकग्राउंड ब्लर करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको यहाँ से पहले नेट कनेक्शन को आपका ऑन कर लेना है। अगर आपका वाईफाई है तो आप वाईफाई ऑन कर लीजिए
अदरवाइज आप मोबाइल का डाटा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से शेयर के आइकॉन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपको एक ऐप मिलेगा ये फोटो रूम करके, इस फोटो रूम ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आपको इस पर टैप करना है एंड थोड़ा सा देर कुछ इस तरीके से वेट करना है, ये कुछ इस तरीके का स्कैनिंग होगा, देन आपका बैकग्राउंड एकदम गायब हो जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, बहुत तेजी है भाई, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ध्यान से देखिए। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से आपको एक फ़ोटो क्लासिक का ऑप्शन दिखेगा, देख पा रहे हो, फोटो एडिटिंग क्लासिक, जस्ट आपको इस पर सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको दिख जाएगा ब्लर, तो आपको ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ब्लर पर मैंने क्लिक कर दिया एंड थोड़ा सा गाइज आपको वेट कर लेना है, ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं वेट कर ले रहा हूँ, ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे खुल गया ये। अब आपको बैकग्राउंड पे टैप करना है, बैकग्राउंड पे टैप करने के बाद यहाँ से आपको ब्लर पे जाना है एंड इसकी वैल्यू आपको जितनी भी रखनी होगी आप यहाँ से ईजिली सेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू इतना बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसकी वैल्यू हम इतना रख लेते हैं फिलहाल। बाकी गाइज आपको इसमें कुछ भी करने का नीड नहीं है, जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ मैबिल लेटर कर लेना, यहाँ से आपकी फ़ोटो सेव टू गैलरी करोगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। बाकी ये फ़ोटो रूम लिखा है, आपको पता है कैसे हटाना है नहीं हटाना है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। स्नैपचैट ऐप में जाना, हीलिंग टूल का यूज़ करके इसको रिमूव कर लेना। सो आई विल सो इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।